लगाण वर्षा बुड़ा अधा ओडिशा राज्यर बन्या स्थिति उत्कट होबार आशंका अविश्रांत वर्षा उबुटुबु उपकूल उपात विपद संकेत उपरे विभिन्न नदीर जलस्तर भद्रक और जाजपुर जिले में हाई आलर्ट प्रबल वर्षा फुलुची बैतरणी महानदी बुढ़ाबलंग सुवर्णरेखा ब्राह्मणी जलस्तर बढ़ी बढ़ी चलता बेले बन्या स्थिति उत्कट होगाकू लगी नदीर जलस्तर देखि तलिया अंचलर लोके छानिया तुआ कुतुआ वर्षा होगा विभिन्न राजपथ में बन्या जल प्रवाहित होटे सहरर विभिन्न अंचल में पा पशा जो ना नुर्दशा भोगुं स्थानीय लोके राज्य में बन्या स्थितर मुकबिला सरकार समीक्षा कर लगाण वर्षा बुड़ा अधा ओडिशा राज्यर बन्या स्थिति उत्कट होबार आशंका अविश्रांत वर्षा उबुटुबु उपकूल उपात विपद संकेत उपरे विभिन्न नदीर जलस्तर भद्रक और जाजपुर जिले में हाई आलर्ट प्रबल वर्षा फुलुची बैतरणी महानदी बुढ़ाबलंग सुवर्णरेखा ब्राह्मणी जलस्तर बढ़ी बढ़ी चलता बेले बन्या स्थिति उत्कट होगा लगी नदीर जलस्तर देखि तलिया अंचलर लोके बेछानिया तुआ कुतुआ वर्षा होगा फल विभिन्न राजपथ में बन्या जल प्रवाहित होटे सहरर विभिन्न अंचल में पा पशा जो ना नुर्दशा भोगुं स्थानीय लोके रामनगर आम प्रतिनिधि विश्वजित पलाई आम सहित जोड़ विश्वजित कौन वर्तमान स्थिति देखुं कहीं पूरा अधा ओडिशा जदि कह वर्तमान एवं उबुटुब हो जलघेर आहरी 12 घंटा राज्यवासियों पर आलर्ट रही वर्तमान नदीगुड़ स्थिति कौन देखुं क्यों क्यों अंचल वर्तमान पर्यंत जलमग्न होगा प्रशासन व्यवस्था कौन जानवा चाहिए विश्वजित निश्चित भाव निवेदिता देखो आम जी कहीपर बैतरणी ये हूँ चलित बर्ष प्रथम बन्या आसी आदि कहीपर बैतरणी उछुची जी आखुआपदा कहीपर वर्तमान सुधा 19.88 मीटर जी आखुआपदार जलस्तर प्रभावित होता बेले तलिया अंचल ये जो प्रभाव में बर्तमान ग्रामांचल गुड़िक बुड़बार लगी तेज आम बर्तमान सका सका चेषा करूँ जो काली जो चेषा करूँ मालदा हो कि धामनगर जो आंदपुर पदानी से अंचल को जीवाई कि आमपाई से कौटी ना कौटी जावाई असुविधा सम्मुखीन होती कहीं जगह को बर्तमान सुधा जाई होपटे जी कह जो जाजपुर ब्लक जाजपुर जिलार जो दशरथपुर रही भद्रक जिलार दुईट ब्लक जो भंडारी पोखरी जो छटी पंचायत एवं एपटर जो रही धामनगर जो आठटी पंचायत बर्तमान जलमग्न होभिन्न गाँ बुड़ी चाष जमी बुड़ी व्यापक क्षय क्षति होता देखा मिली जो चाष जमी गुड़िक जी कह प्रशासन तरफ एनडीआरएफ टीम हो ओडीआरएफ टीम हो जोगा सत अग्निशम बाहन सजा करविन्न जो तलिया अंचल लोक मैंने जो मैंने नदीकूलिया जो कच्चा घर रुहति से स्कूल हो किंबा बात्यास्थल को अणा जा सत कि सेमती कौन सी जेहेतु गोटे दिन भितर यह प्रभावित है हठात जो लघुचाप वर्षा प्रभाव में यह सांगे सांगे जो बन्या जल बैतरणी में माड़ आसला कि प्रशासन तरफ से भाई किसी जो शुक्ला खाद्य हो कि जो मोमबत्ती हो सब जगह दि जाए पारिना कि प्रशासन तरफ कल जो भाई भाव में जिला प्रशासन प्रतिक्रिया रखुले सब प्रकार व्यवस्था कर प्रतिक्रिया रखुले तेज आम जो अच्छा ये गोटे ग्रामांचल रही ये हूँ दोबल जो रही दोबल अंचल मुस्ताफपुर पंचायत जो रही गौरा टिकिरी ये हूँ गोटे सड़क रही गौरा टिकिरी जो पर्यटन स्थल गौरा टिकिरी उक्त सड़क रही ये बर्तमान कटअप हो पड़ी उक्त अंचल जो लोक मैंने रही बर्तमान विच्छिन्न हो जाती मार्केट हो कि जो स्थानीय दुकान बजार को बर्तमान बाहरी पार ना सेपटे से ही कथ कह भंडारी पोखरी जो मालदा रोड रही पूरा जाजपुर को जो संजोग करो पीडब्ल्यू डी रोड सी विच्छिन्न हो धामनगर रु जाजपुर को गोटे लंबी रोड सी विच्छिन्न हो तेज स्थानीय बासिंदा अच्छा सहित विषय में किसी पचार भाई कौन कहे ये बर्तमान जो जल बर्तमान आम देखा पाच ये आप अंचल कौन व्यापक क्षय क्षति कष्ट कर कौन कौन केमती कौन आप प्रभावित हे जो बन्या जल रे प्रभावित हे तो चाष जमी सब क्षतिग्रस्त है तला पचीगला आम जो कोरिंगा पंचायत दोबल पंचायत सब तो बुड़क रहा बहुत क्षति तो हे बजार हाट तो करहब नहीं लोक बहुत हईरा हो
ଯେତେ ଭାବରେ ନିବାଦିତ ଜଣେ ଭାଇ ଯେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କାହିଁକି ନା ହଠାତ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 2 ରୁ 3 ଦିନ ହବ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନେ ଘରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ, ତାପରେ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ବନ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ପାଖ ଯେଉଁ ଧାମନଗର ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ବୁଟବୁଟ ସାହୁ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ମୁତାବକ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ହଉ କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଡ୍ରାଇଫ୍ରୁଟ୍ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଯାହା ମାନେ ପହଞ୍ଚାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେପଟେ ଯଦି କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ତଳ ଉପର ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସେଭଳି ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଜଳସ୍ତର କମିବାର। ଯଦି କହିପାରିବା ଆଖୁଆପଦାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଳସ୍ତର ଘଣ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟା ବଢି ଚାଲିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ରହିଛି ଧାମନଗର 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଆନ୍ଦପୁର ହଉ ବର୍ଷା ହବ ଏବଂ ଏ କଥା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବି କହୁଛି ଯଦି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଆହୁରି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଜଳସ୍ତର ବଢିବ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକ ଜଳ ଘେରକୁ ଚାଲିଯିବେ ବା ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବେ, ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ବଡ଼ ଧରଣର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ କମ୍ସେ କମ୍ ପ୍ରଶାସନକୁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ, ଧାମନଗରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।